राष्ट्रपति भवन में सफाई कर्मी की बहू कोरोना पॉजिटिव, 125 परिवार किएगा क्वारंटीन। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 18,601 हुई, 590 लोगों की जा चुकी है जान। एमपी के इंदौर में नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल की कोरोना से मौत, ड्यूटी के दौरान हुए थे संक्रमित, इंदौर के अरविंदो अस्पताल में चल रहा था इलाज। कोरोना संकट पर ट्रंप का बड़ा फैसला, बाहरी लोगों के अमेरिका में बसने पर लगाई अस्थाई रोक, अगले आदेश तक डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई रोक, ट्वीट कर किया ऐलान। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और 16 विदेशी जमातियों समेत 30 गिरफ्तार, छिपे जमातियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। प्रोफेसर शाहिद को जमातियों को चोरी छिपे शहर में शरण दिलाने के आरोप में महामारी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है मुकदमा। ऋषिकेश में पंच तत्व में विलीन हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता, बड़े बेटे ने दी मुखाग्नि। ऋषिकेश के फूल चंटी गंगा तट पर किया गया पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार। अमेरिका का दावा, चीन ने की पीपीई किट की जमाखोरी, अब महंगे दामों में बेच रहा है चीन। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने किया दावा, जनवरी और फरवरी में चीन ने 18 गुना अधिक मात्रा में खरीदे हैं मास्क और पीपीई किट, अब उच्च दरों पर बेच रहा है चीन। सफल रहा टेस्ट, प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ दिल्ली का पहला कोरोना मरीज, दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में डॉक्टरों ने 49 साल के मरीज को किया ठीक। मध्य प्रदेश में कोरोना पर चल रही मीटिंग में राजगढ़ डीएम नीरज कुमार सिंह ने की अभद्रता, डॉक्टरों ने बंद किया काम, डीएम पर डॉक्टरों के लिए निकम्मा और मूर्ख जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल करने का लगा आरोप। केंद्रीय टीम के पहुंचने पर भड़की ममता बनर्जी, कहा टीम के आने के पीछे का उद्देश्य साफ नहीं, केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों में इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम भेजने का लिया है फैसला, ट्वीट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। आज लाल निशान पर खुला बाजार, सेंसेक्स की शुरुआत 30,760.30 के स्तर पर हुई तो वहीं निफ्टी 9,010.75 के स्तर पर खुला। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।